हेलो एंड वेलकम टू बुलेट राजा वंस अगेन। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल बुलेट राजा पर स्वागत है। दोस्तों जैसा मैंने आपसे कहा था कि टाटा अल्ट्रोस XM प्लस CNG वेरिएंट में जो रियर व्यू मिरर है वो नॉर्मल ही मिलता है कंपनी की तरफ से। कंपनी थोड़ी कॉस्ट कटिंग यहाँ पर करती है। तो मैंने आपसे जैसा कहा था प्रीवियस वीडियो में, आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं उस वीडियो को, कि मैं बुडमू एक एप्लीकेशन है वहाँ से वो स्पेयर पार्ट मंगाऊंगा। बहुत ही फेमस एप्लीकेशन है, तो मैंने मंगा लिया है। चलिए दिखाते हैं और फिट करके दिखाऊंगा कि खुद ही आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं घर बैठे बैठे गाड़ी के अंदर बैठे हुए। मैं अभी गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, वहीं आपको दिखाऊंगा पार्ट और वहीं आपको फिटमेंट करके भी दिखाऊंगा। ये है बुडमू कंपनी स्पेयर पार्ट एक्सपर्ट, एक बहुत फेमस वेबसाइट है स्पेयर पार्ट बनाने के लिए, और वहाँ पर आप कोई भी स्पेयर पार्ट मंगा सकते हैं। देखिए 905 रुपीज़ का टोटल इसकी कॉस्ट है जो यहाँ पर लिखी हुई है। इस पैकेजिंग के अंदर ये आया है। अब इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। अब आप डिफरेंस पता लगाइएगा, एक सेकेंड। यस, तो यह देखिए आप, ये देखिए, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा पीछे से, मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है डे टाइम मैनुअल डे टाइम रियर व्यू मिरर, और पीछे से क्या है ये देखिए। तो यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा, और क्या देखें हम, टाटा का पार्ट है, ये टाटा का प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ मुझे दिखाई भी नहीं दिया है कि टाटा का ओरिजिनल स्पेयर पार्ट है, लेकिन ये जो वेबसाइट है वो ओरिजिनल स्पेयर पार्ट के लिए ही फेमस है। तो आप देखें जो पुराना लगा हुआ था वो कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, उसके नीचे आप देखें तो कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है। तो आप डिफरेंस में अगर आपको बताऊँ कि क्या दोनों में डिफरेंसेस हैं, तो आप देखिए, ये देखिए इसका साइज़ भी बड़ा है इससे, अगर यहाँ से कंपेयर किया जाए तो साइज़ ऑब्वियसली बड़ा है, और ये डे टाइम में आता है। ये इसे कर देंगे तो ये डे में हो जाएगा और ये नाइट में हो जाएगा। अभी नाइट नहीं है तो पता नहीं चलेगा आपको। तो साइज़ कुछ हद तक कह सकते हैं थोड़ा सा बड़ा है इसका, और ये इसमें ये फीचर है वो बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कैसे फ़िट किया जाता है इसको। उसके फिट करने से पहले इसको निकालना पड़ेगा। देखिए निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, ऐसा इसको आगे बस स्लाइड करना है। थोड़ा सा पावर लगाएंगे पीछे की तरफ से, ये पीछे की तरफ से मैं यहाँ पावर लगा रहा हूँ, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये जो पावर है ये मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, और ये इस तरीके से ये स्लाइड हो गया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये है जहाँ पर आप स्लाइड करके इसको फंसा सकते हैं। चलिए अब नया वाला जो है उसको लगा के देखते हैं कि किस तरह से ये लगेगा। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको, बस यहाँ इसको लगाना है, और यहाँ देखिएगा बस इसको ऊपर करके स्लाइड कर देना है। यहाँ पर ये स्लाइड हो गया, पूरा अंदर तक चला जाए, ज़्यादा दम मत लगाइएगा नहीं तो वो भी उखड़ जाएगा। बस ये इतना ज़्यादा हो गया। अब ये देखिए बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि अच्छी क्वालिटी का है, साइज़ भी इसका थोड़ा सा बड़ा हुआ है, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ये देखिए, ये है नॉर्मल व्यू और यह है नाइट व्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप नॉर्मल व्यू और नाइट व्यू रख सकते हैं अपनी गाड़ी में, देखना चाहें तो नॉर्मल व्यू एंड नाइट व्यू दोनों इसमें हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो भी XM प्लस के ओनर हैं, जो XM प्लस CNG वाले भाई लोग हैं हमारे, उनको बड़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये है ओरिजिनल, इस तरीके से आता है, और अब हमने यहाँ पर इसकी पूरी फिटिंग कर दी है। तो बहुत ही सिंपल है, इसी तरह से आप खुद ही घर पर बैठ के इसको कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को सभी के साथ, जिससे जो भी ये मॉडल लेना चाहते हैं और ये लेना चाहते हैं प्रोडक्ट, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगा, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।